नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। भारी बारिश के चलते हरियाणा सरकार ने जारी की आम जनता के लिए एडवाइजरी। घर से बाहर कम से कम निकलने की आम जनता से की अपील। पूरे प्रदेश में बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की सीएम ने की समीक्षा। इसार में पति ने पत्नी को ही उतारा मौत के घाट। पति ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या। गोलीबारी में बेटी को लगे छर्रे। करनाल में बारिश का कहर। सगा गांव में गिरा मकान। मलबे में दबकर दंपत्ति की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए और हरियाणा सिविल सचिवालय में इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में बारिश के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की। सीएम मनोहर लाल ने रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट, क्रय विभाग, अर्बन लोकल बॉडी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। इसके बाद सीएम ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल के सीएम से भी बात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के कुछ लोगों के मनाली में फंसे होने की सूचना मिली थी। हरियाणा के सभी नागरिक सुरक्षित हैं। हिमाचल सरकार के साथ मिलकर हालात पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बैठक में सीएम ने निचले इलाके में फंसे लोगों को निकालने और खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं भारी बारिश के चलते हरियाणा सरकार ने आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने आम जनता से घर से बाहर कम से कम निकलने की अपील की। सीएम ने जरूरत पड़ने पर स्कूलों को बंद करने के भी दिशा निर्देश दिए। बारिश को देखते हुए लगातार बढ़ते पानी के लेवल के कारण प्रशासन ने अनाउंस कर दिया है कि नदियों नालों के पास ना जाएं। पंचकुला पुलिस ने इससे पहले धारा 144 भी लगा रखी है। तेज बारिश के चलते जल स्तर बढ़ गया है, जिसके कारण अमरावती कौशल्या डैम के गेट खोल दिए गए हैं। घग्गर नदी में पानी का तेज बहाव हो गया है। चंडीगढ़ झील में पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण गेट खोल दिए गए हैं। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अचानक बरसात से घग्गर और अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति भी बन जाती है, जिसके कारण जान और माल का भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए पंचकुला जिले में स्थित इन नदियों और सहायक नदियों के किनारे पर किसी भी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम और अनुष्ठान करने के साथ साथ उनके नहाने और नहरों के किनारे जाने की भी मनाही की गई है। घग्गर नदी के आसपास लगते गांव और शहर को पंचकुला प्रशासन ने हाई अलर्ट कर दिया है। बता दें कि पानी के कहर ने आवाजाही ठप कर दी है। पानी के तेज बहाव में मडावला नदी का पुल टूटने से शिमला, चंडीगढ़ और पिंजौर से हिमाचल के बद्दी से संपर्क टूट गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार संत समाज की तरह सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, ताकि अंतिम पायदान पर खड़े समाज के प्रत्येक नागरिक का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रजापति दक्ष महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर से आए समाज के अग्रणी लोगों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को शॉल, पगड़ी और दक्ष प्रजापति महाराज का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रजापति समाज को पंचकुला में दी गई 1000 वर्ग गज भूमि के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने बहुतकनीक संस्थान हिसार का नामकरण दक्ष प्रजापति करने का भी ऐलान किया। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदीप शर्मा के निवास स्थान पर उनका हाल चाल जानने पहुंची। उनके साथ मुख्य रूप से असंत कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा समय के सबसे ज्वलंत मुद्दे को मुख्य रूप से उठाया है और इस भाजपा की सरकार में हर वर्ग का व्यक्ति दुखी है और मुख्य रूप से इसका शिकार युवा हो रहे हैं। प्रदेश में नौकरियां नहीं है। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपना भविष्य इस सरकार के राज में अंधकार में जाता नजर आ रहा है। वहीं राहुल गांधी की सजा बरकरार रखने पर बात करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि वे हाईकोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन वे हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। इसलिए इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। जो भी किया आज के दिन जो हरियाणा का सबसे ज्वलंत मुद्दा था उसको हमने उठाया और सरकार के खिलाफ ये जो भारतीय जनता पार्टी जज्बा की सरकार, वैसे तो हर एक नागरिक आज के दिन त्रस्त है किसी ना किसी बात से, लेकिन जो सबसे बड़े विक्टिम हैं वो हैं हमारे युवा। जिस प्रकार से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना शिक्षा ढंग की है, ना उन्हें नौकरियां मिली।
2 लाख पद खाली पड़े। नौकरियां में अगर हम 2019 से अब तक की बात करें, बार बार नौकरियां निकाली जाती हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, अगर इम्तिहान हो भी जाए उनको निरस्त किया जाता है। अपॉइंटमेंट की जाती हैं तो उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर हरियाणा से बाहर के लोग होते हैं, फिर निरस्त कर देते हैं। तो ये हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी CET का मामला, तो हर तरह से आप देखते हैं कि लोगों को, हमारे जो युवा हैं उनको अपना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। और CMI की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी, वो हरियाणा में है 37%। अब इस आंकड़े को ये माने ना माने, लेकिन असली आंकड़े भी नहीं दे पा रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ नौकरियां नहीं मिल रही। हर तरह से हरियाणा का युवा आज के दिन अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा है। हमने हिसार के कुलाना क्षेत्र के गांव मुगलपुरा में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस गोलीबारी में उसकी बेटी को भी गोली के छर्रे लगे हैं। हत्यारोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी मुताबिक गांव मुगलपुरा निवासी राम निवास का सुबह करीब 9 बजे अपनी पत्नी के साथ विवाद हो गया। राम निवास की पत्नी 45 वर्षीय सुरता देवी ने अपने पति को शराब पीने से रोका तो दोनों में विवाद हो गया। करीब 10 बजे राम निवास ने अपने लाइसेंसी दोनारी बंदूक से सुरता देवी की गर्दन में गोली मार दी। उनकी बेटी 22 वर्षीय पिंकी भी मौके पर थी, जिस कारण उसे भी गोली के छर्रे लगे। हत्या के बाद आरोपी राम निवास मौके से फरार हो गया। राम निवास का बड़ा बेटा 26 वर्षीय शुभम हत्या सहित अन्य मामलों में जेल में बंद है। दूसरा बेटा 24 वर्षीय अशोक गांव में ही रहकर खेतीबाड़ी करता है। पिंजौर के यादविंद्र गार्डन में पर्यटन विभाग और बागवानी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज 30वें मैंगो मेले का समापन हुआ। प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी किसानों के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं और बारिश में भी काफी संख्या में दर्शक मैंगो मेला देखने पहुंचे। इस तरह के मेले का आयोजन कर किसानों को आम के अधिक से अधिक किस्मों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस बार मैंगो मेले में आम की लगभग 350 किस्में प्रदर्शित की गई और मेले में हरियाणा के साथ साथ अन्य प्रदेशों के आम उत्पादकों ने भी अपने आम की विभिन्न किस्मों को यहां प्रदर्शित किया। मेले में लोक कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दी गई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मेरा नाम सौरभ गौतम है। सर आप कहाँ से आए हो? मैं सर वैसे हूँ हिमाचल से, पर मैं पिंजौर में रहता हूँ। हिमाचल कहाँ से? हिमाचल सोलन से सर। आज आपके मैंगो फेस्टिवल में आए, तो आपको कैसा लगा है? सर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और मैं हर टाइम जब भी ये होता है तब मैं आता हूँ। पिछले साल भी आया था और इस साल भी आ रहा हूँ। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ और मैं काफ़ी इसमें देखता हूँ कि जो मैंगोज की वैरायटी यहाँ दी है वो अलग अलग है। हर एक डिस्ट्रिक्ट से मेरे को लगता है कि ये आए हैं, तो मैं इसका बड़ा भरपूर आनंद लेता हूँ सर। रायपुर रानी खंड के गांव मोली में स्थित सुपरस्टार पोल्ट्री फार्म में पानी की निकासी न होने के कारण पानी घुस गया और बड़ा नुकसान हो गया। बताया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म में रखी गई मुर्गियों में से लगभग 25,000 मुर्गियां पानी घुसने के कारण मर गई। मुर्गियां मरने से 60 लाख के लगभग का नुकसान हुआ। वहीं पानी की निकासी न होने के कारण किसानों की फसल भी खराब हो गई। ग्लोब इंडस्ट्री के नजदीक स्थित एक दूध डायरी में बंधे पशुओं की जान पर भी आफत आ गई। इसके बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर वहां से उन्हें खोलकर बाहर निकाला। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ग्लोबल इंडस्ट्री का निर्माण करते समय यहां से जो नाला गुजर रहा था उसे बंद कर दिया गया, जिसके कारण यहां से पानी की निकासी बंद हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने के लिए भी पंचकूला के उपायुक्त को पत्र लिखा जाएगा। वहीं पोल्ट्री फार्म की लेबर के द्वारा शेड गिरने से मरी मुर्गियों को बाहर निकाला गया। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि नेहरू युवा केंद्र द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नेहरू युवा केंद्र के हमारे युवा साथी युवाओं के अंदर फैली हुई जो कुरीतियां नजर आती हैं, उनको टारगेट करके समाधान करने का काम करते हैं। ये संस्था समाज के लोगों को समय समय पर कार्यक्रम करके जागरूक करने का काम करती है, जो कि काफी बेहतरीन कार्य है। सांसद नायब सिंह सैनी अम्बाला रोड स्थित हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑडिटोरियम हॉल में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित जिला यूथ फेस्टिवल 2023 कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर रहे थे। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है कि हमारी जो युवा शक्ति है वो भारत को बदलने का काम करती है। युवा शक्ति में वो ताकत है जिसे सकारात्मक दिशा मिलनी चाहिए, जो कि भारत देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
करनाल के सग्गा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर एक मकान जो कच्चा था उसकी छत कंडियों वाली थी और बरसात के कारण वो छत गिर गई। जानकारी मुताबिक दंपत्ति कमरे में थे और उनके बच्चे बाहर आंगन में सो रहे थे। जब सुबह बच्चे उठे तो उन्होंने देखा कि छत गिरी हुई है, जिसके बाद उन्होंने पड़ोसियों और ग्रामीणों को बुलाया और मलबा हटाकर माँ बाप को बाहर निकाला। अस्पताल में जब माँ बाप को पहुंचाया गया, लेकिन करनाल के अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। पति और पत्नी की मौत हो चुकी थी। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रिश्तेदारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सुबह इतला मिली कि सगे गांव के दो लड़के पति पत्नी दोनों छत के नीचे गिरने से एक्सपायर हो गए, डेड हाउस पाए। कार्रवाई किस तरह से हादसा बताया जा रहा है? मकान पुराना था, कड़ियों का बना हुआ था। रात को इनको पता नहीं गाँव वाले किस टाइम गिरा, वो उसने सुबह देखा करीब वो दोनों दबे हुए थे, ले आके यहाँ हॉस्पिटल में ले आए तो दोनों डेड। बरसात किस तरह पड़ रही है? बरसात वो उसको मकान की हालत भी ऐसी थी, जर्जर बता रहे हालात भी मकान के जर्जर ही है, गरीब आदमी है। क्या कार्रवाई की जा रही है? 174 की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम करा रहे की कार्रवाई की जा रही है। बरसात के कारण नहीं हुआ? बरसात का भी कारण हो सकता है, पर मकान ही जर्जर था। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।